चाइना अभी चिल्ला रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। लोगों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना से जो भी आ रहा है उसे बहिष्कार करो, कोई मत खरीदो, अपने देश के प्रति गर्व करो। बहिष्कार करना चाहिए, मैं भी समर्थन में नहीं हूं, बहिष्कार करो वहां के सामान का, लेकिन मैं थोड़ा सा नेताओं से पूछना चाहता हूं, जनता से तो बहिष्कार कराते हो, फिर उनका माल भारत में मंगाते क्यों हो? यदि मंगाना बंद कर दो तो जनता को बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। मंगाया भी जाता है, चाइना में होली नहीं मंगाई जाती लेकिन रंग चाइना से आता है हमारे यहाँ, चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती, पटाखे दिवाली के यहाँ आते हैं। पहले देश के नेताओं को एक संकल्प करना चाहिए कि किसी भी बंदरगाह या किसी भी प्लेन से चाइना का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। यदि भारत चाइना से सामान लेना बंद कर देगा, सब हेकड़ी भूल जाएगा चाइना। ध्यान रखना, आज हमारे कितना भी बड़ा बना हो, दादा बन के घूम रहा हो, यदि हम सामान नहीं लेंगे ना तो दो वक्त की रोटी का इंतजाम चाइना के पास नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए माननीय, क्या करेंगे विचार करना है। मेरा देश वो देश जिसने किसी की जमीन पर निगाह नहीं डाली। हम तो वो लोग हैं, यदि लड़ते हैं तो जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ते, अपनी आन बान और शान के स्वाभिमान के लिए भारत युद्ध किया करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने पाकिस्तान जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने बांग्लादेश जीता, श्री रामचंद्र जी जिन्होंने लंका जीती, कृष्ण ने मथुरा जीती, ध्यान रखिए इतिहास पर दृष्टि डालिए, कृष्ण ने मथुरा जीती, राम ने लंका जीती, लेकिन ये लंका जीती मथुरा जीती तो इसलिए नहीं जीती कि हमें उनकी कुर्सियां चाहिए थी, राम ने लंका जीती और विभीषण को वापिस लौटा दी, कृष्ण ने मथुरा का राज्य कंस से जीता और वापिस लौटा दिया, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और बांग्लादेशियों को वापिस दे दिया, और लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और भीख में उनका पाकिस्तान उन्हें वापिस। जीतना और लौटाना, बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती का राज्य जीता और भरत को वापिस लौटा दिया। हम तो वो लोग हैं जो जीतते हैं और जीतने के बाद उनकी धरती उनको वापिस लौटा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत कुछ है भारत के पास, शौर्य है भारत के पास, स्वाभिमान है भारत के पास, गर्व है अपने आप, अपने इतिहास पर गर्व है। ये मत सोचना कि भारत की पहचान लाल किला है, ये भी मत सोचना कि भारत की पहचान ताजमहल है या कुतुब मीनार भारत की पहचान है, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की पहचान है। नहीं भाई, यदि ये भारत की पहचान हो जाएंगे तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। मेरे देश की पहचान ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार ही नहीं, मेरे देश की पहचान तो उसकी संस्कृति और सभ्यता हुआ करती है, और वो संस्कृति यदि कोई है तो जियो और जीने दो की संस्कृति हमारे देश की असली पहचान। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, ये हमारे देश की असली पहचान हुआ करती है।